पुलिस अधीक्षक अमरोहा आदित्य लांघे द्वारा बुधवार को पुलिस लाइन परिसर में सैनिक सम्मेलन का आयोजन कर जनपद के पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया और मौजूद पुलिसकर्मियों से सीधा संवाद स्थापित कर एक एक करके प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत और विभागीय समस्याओं को सुना गया तथा कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने हेतु संबंधित को आदेश निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित पुलिस कर्मियों को पुलिस की कार्य प्रणाली, रहन सहन, जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार, कानून एवं शांति बनाए रखने हेतु एवं नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष व सकुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी पुलिसकर्मियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी पुलिसकर्मी यातायात नियमों का पालन करें। यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सैनिक सम्मेलन में अपराध की रोकथाम पर मंथन किया गया। मुख्य विषय कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण रहा, जिसमें सर्वप्रथम अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, चोरी, लूट, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कस्बा व ग्रामीण इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाने, बैंक व लेन देन वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ करने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा निर्देश दिए गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।